फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट्स पार्ट थर्ड में अनुच्छेद 12। देखिए, होता क्या है कि मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडिविजुअल को सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट स्टेट, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति का समर्थन करते हैं, क्योंकि कलेक्टिव इंटरेस्ट सामूहिक हित के नाम से राज्य व्यक्ति के इंडिविजुअल राइट्स को वायलेट कर सकता है जो उसके डेवलपमेंट और डिग्निटी के लिए आवश्यक हैं, जो उसके विकास के लिए और उसके गरिमा के लिए आवश्यक हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने ये डिफाइन करने की कोशिश की कि कलेक्टिव इंटरेस्ट के नाम में जो स्टेट इंडिविजुअल राइट्स को ले लेता है, इंक्रोच करता है, उसमें स्टेट को डिफाइन करना जरूरी है कि राज्य मौलिक अधिकारों से क्या संबंध रखता है, क्योंकि व्यक्ति के मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं, अगेंस्ट स्टेट हैं। तो ये कंपलसरी है कि राज्य को क्लियर कट डिफाइन किया जाए। तो अब आपकी समझ में आ चुका होगा कि हमारे डिस्कशन का जो पॉइंट है वो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा से है। आर पॉइंट इज कंसर्न हियर, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द स्टेट इन आर कॉन्स्टिट्यूशन इन कंसर्न विद फंडामेंटल राइट। राजनीति शास्त्र में राज्य का मतलब एक नेशन होता है, राष्ट्र होता है, और एक राज्य का मतलब प्रोविंस भी होता है, लेकिन फंडामेंटल राइट के कंसर्न में जो स्टेट का मतलब है वो अलग है और वो आर्टिकल 12 में डिफाइंड है। तो हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 12 में स्टेट की क्या डिफिनीशन है, और वो डिफिनीशन बहुत वाइड है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे कंस्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने राज्य की इतनी व्यापक परिभाषा दी कि किसी भी तरीके से व्यक्ति के हित सर्वोपरि ही हों, राज्य उन पर अतिक्रमण न कर पाए। तो चलिए हम देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12, जिसके अंतर्गत स्टेट को डिफाइन किया गया फॉर फंडामेंटल राइट्स। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं फंडामेंटल राइट्स के अधीन स्टेट की डिफिनेशन। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12 गिवन इन पार्ट थर्ड। जो स्टेट की परिभाषा है वो क्यों आवश्यक थी, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। यह हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से देखेंगे कि राज्य के अंतर्गत जो संविधान में मौलिक अधिकारों के लिए स्टेट वर्ड है, उसके अंतर्गत भारत की सरकार तथा संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, इट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, और विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, सभी लोकल बॉडीज और अथॉरिटीज आती हैं। इसका मतलब जो राज्य की परिभाषा है वो इंक्लूड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को, और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट को एंड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट को। साथ साथ विद इन द टेरिटरी एंड अंडर द कंट्रोल लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटीज को। यहाँ हमें समझना होगा कि मौलिक अधिकारों के लिए, मूल अधिकारों के लिए राज्य की परिभाषा इतनी व्यापक क्यों है। इसलिए है क्योंकि हमने देखा कि ब्रिटेन में एग्जीक्यूटिव एक्ट की ट्रेनी से बचना था, कार्यपालिका या प्रशासकीय अत्याचार से बचना था। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के साथ साथ लेजिस्लेटिव ट्रेनी से भी बचना था, कार्यपालिका के साथ साथ उसे विधायी अत्याचारों से भी बचना था। इसीलिए हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के लिए राज्य की परिभाषा व्यापक दी हुई है, क्योंकि मौलिक अधिकार व्यक्ति के समर्थन में और सामान्यतः अगेंस्ट द स्टेट होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टेट के डिफिनीशन में हम सबसे पहले लोकल अथॉरिटी, स्थानीय प्राधिकारी को समझते हैं, जिसके अंतर्गत नगर पालिका, जिला बोर्ड इत्यादि आते हैं। जो लोकल अथॉरिटी है वो हमारे 7th शेड्यूल के 2nd लिस्ट के 5th एंट्री में है, स्टेट लिस्ट के 5th एंट्री में है। और लोकल बॉडीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया काम करते हैं और गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड से सहायता प्राप्त करते हैं। इसलिए अनुच्छेद 12 के अधीन ये राज्य की परिभाषा में आते हैं, जैसा कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम आरसी जैन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय प्राधिकारी को डिफाइन किया है।
जो अभी आपने देखा आर्टिकल 12 में अदर अथॉरिटी, अदर अथॉरिटी का क्या मतलब है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही व्यापक दृष्टिकोण, एक जो व्यू लिया है वो बड़ा ही ब्रॉड व्यू लिया है, और वेरियस डिसीजंस के माध्यम से, जुडिशियल डिसीजंस के माध्यम से अदर अथॉरिटी को डिफाइंड किया है। अथॉरिटी के अंतर्गत वो सभी निकाय और व्यक्ति आते हैं जिनका वर्णन संविधान में हो या जिनको लॉ फ्रेमिंग पावर हो, जो रूल रेगुलेशन लॉज बाई लॉज बना सकते हो और ओबीडियंस के लिए अबाइड कर सकते हो, उनके पालन के लिए विवश कर सकते हैं। तो प्राधिकारी के अंतर्गत वो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल और अदर अथॉरिटीज आते हैं जिनको लॉ मेकिंग पावर हो और वो पालन करने के लिए विवश कर सकते हो, अबाइड कर सकते हो, वो आर्टिकल 12 में राज्य आते हैं, चाहे वो कोई कॉरपोरेशन हो, बोर्ड हो या बॉडी ही क्यों ना हो, या ऑटोनोमस हो या एजेंट ऑफ स्टेट हो या स्टेट के डेलीगेटेड पावर का यूज करता हो, वो 12 के अधीन राज्य है। ऐसा राजस्थान बनाम इलेक्ट्रिक बोर्ड, राजस्थान इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाम मोहनलाल वाद में निर्धारित हुआ। फर्दर जो अदर जुडिशियल डिसीजन हुए, न्यायिक निर्णय हुए, उसमें ये कहा गया कि धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड भी प्राधिकारी के अंतर्गत आ सकता है, और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है वो भी एक अथॉरिटी है फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 12 के अधीन, क्योंकि उसके पास भी नियम बनाने की शक्ति है। ऐसा परमात्मा बनाम मुख्य न्यायाधीश वाले वाद में निर्धारित हुआ। और कुछ कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, LIC, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन भी राज्य हैं, ये डिसीजन अजय हासिया बनाम खालिद सुहरावर्दी मामले में हुआ। देखिए, अजय हासिया बनाम खालिद सुहरावर्दी का मामला बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वो पैरामीटर्स डिसाइड किए जिसके माध्यम से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कोई भी बॉडी अंडर द डिफिनेशन ऑफ स्टेट में आएगा कि नहीं। तो एक पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और ये बताया कि अगर ये पैरामीटर्स फॉलो अप होते हैं तो कोई भी बॉडी अदर अथॉरिटी के अंतर्गत आ जाएगी आर्टिकल 12 में। और अगर हम बात करते हैं कि कोई भी अथॉरिटी जो आर्टिकल 12 में स्टेट के डिफिनीशन में आती है, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट होती है? ऐसा नहीं है, ठीक। और उसके पश्चात कुछ और डिसीजंस हुए जिसमें ये माना गया कि ये संस्थाएं स्टेट के डिफिनीशन में नहीं आती हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द करंट सिनेरियो, करंट सिनेरियो में हम देखेंगे कि आर्टिकल 12 के अधीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ऑल थ्री ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों शामिल हैं। तो कार्यपालिका और विधायिका तो पहले से शामिल थी, न्यायपालिका, जुडिशरी इज आल्सो इंक्लूडेड अंडर द डिफिनीशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। तो ये किससे शामिल हुआ? कॉमन काज बनाम भारत संघ मामले से, कॉमन काज बनाम भारत संघ मामले से ऑल द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कंसिडर्ड एज स्टेट फॉर द डिफिनीशन ऑफ आर्टिकल 12 फंडामेंटल राइट के लिए। अब ये विवाद का विषय था शुरू से कि जुडिशरी जो है वो स्टेट के एम्बिट में, स्टेट के परिभाषा के अंतर्गत आती है कि नहीं आती है। इस विवाद को सुलझाया गया AR अंतुले बनाम RS नायक केस में, या फिर मिर्जाकर बनाम महाराष्ट्र राज्य में, दो मुकदमे में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशरी स्वयं आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट के डिफिनीशन में आती है। अगर इन नट सेल संक्षेप में हम ये कहें कि क्या पैरामीटर से कैसे समझेंगे कि कोई निकाय, कोई अन्य प्राधिकारी स्टेट के डिफिनीशन में है या नहीं, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि यदि उसे स्टेट से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता हो, फंक्शनल अथॉरिटी उसे स्टेट से मिलती हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट और कंट्रोल स्टेट से मिलता हो, या किसी स्पेसिफिक मामले में वो सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट हो, तो उसे अनुच्छेद 12 के अधीन हम राज्य की परिभाषा में समझेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो
वो निकाय अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य की परिभाषा में आएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपके समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 12 में स्टेट की डिफिनीशन इतनी इलेबोरेटिव क्यों है, इतनी एग्जास्टिव और इलेबोरेटिव डिफिनीशन स्टेट्स की क्यों है, ताकि किसी भी कंडीशन में हमारे जो भारतीय हैं, जो व्यक्ति हैं, जो हम लोग भारतीय हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन पॉसिबल ना हो। हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगेगा तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हम समय पर अगली कड़ी आपको वीडियो लेक्चर की दे पाएं। हम फेसबुक और टेलीग्राम पर भी हैं, साथ साथ ट्विटर पर भी हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप हमें वहाँ भी फॉलो अप दे सकते हैं। और मित्रों, कमेंट करिए ताकि हम और बेहतर कर पाएँ, और आप जिस भी इशू पर चाहते हों कि वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाए, तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। धन्यवाद।